भारत को 2022 से 24 के कार्यकाल के लिए 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन तथा भारत बायोटेक द्वारा बनाए गए कोवैक्सीन के 44 करोड़ खुराक के लिए ऑर्डर दिया। जल शक्ति मंत्रालय ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत 40,700 करोड़ रुपये आवंटित किए। सेबी ने म्यूचुअल फंडों की ऋण योजनाओं को क्रेडिट ब्याज दर जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करने को कहा। आयकर विभाग द्वारा नई ई फिलिंग वेबसाइट लॉन्च की गई। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के अपने नवीनतम अंक में भारत की 2021-22 की जीडीपी का अनुमान घटाकर 8.3% कर दिया। सीईएसएल और लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑपरेशन आयरन साइट द्वारा 18 देशों में संगठित अपराध पर वैश्विक कार्रवाई में सैकड़ों लोग से ज्यादा गिरफ्तार हुए। राष्ट्रीय अधिग्रहण परिषद ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी करने के लिए मंजूरी दी। हाल ही में देश द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ बनाई गई। यह 5 जून 1984 में स्वर्ण मंदिर के अंदर छुपे हुए अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सैन्य अभियान को दिया गया एक कोडनाम था। 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाया गया।